चेंज। जी हाँ, एक छोटा सा चेंज अपने घर के किसी भी कोने में करने से तरोताजगी बनी रहती है। तो आइए बिखरा सामान समेट लेते हैं, बेरंग दुनिया को रंग लेते हैं, मुद्दत हुई एक लिबास पहने हुए, आइए ना अब किरदार ही बदल लेते हैं। तो आज करने जा रही हूँ मैं इस वीडियो में अपना बालकनी मेकओवर आप लोग के साथ शेयर। तो ये बिफोर वाली आप इमेज वीडियो देख लो हमारी बालकनी की, सूखे पत्ते की तरह मुरझाई हुई पड़ी थी हमारी बालकनी, और अब हम इसका करने जा रहे हैं मेकओवर। तो आप देख रहे हो आफी इनोवेटिव्स, और हम कर रहे हैं हमारी बालकनी की वॉशिंग। तो पहले हमने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया, नीचे से फर्श को, आसपास की वॉल्स को, जितनी भी धूल मिट्टी थी सब हमने धो धो के इसकी निकाल दी है। फिर हम लेकर आ गए थे एक ग्रीन नेट, जिसको हमने एक वायर की हेल्प से फिक्स कर दिया, बांध दिया, यानी आप समझ लो कि पर्दा डाल दिया हमने। क्योंकि यार ये जो है सामने आमने सब जगह घर ही घर है, तो हम थोड़ा सा अपना स्पेस क्रिएट कर रहे थे। तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि मैं कैसे इसमें को ग्रीन ग्रीन पूरे में करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जम्बू झाड़ या पौधे लगाना असंभव था। छोटी सी बालकनी है, आप इसमें ज़्यादा कुछ प्लांट्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिकल चलना चाहिए भाई, जो किया जा सकता है वो करा जाए। तो मैंने इसके अंदर कर दी पेंटिंग। जी हाँ, मैंने इसमें आर्टिफिशियल ग्रीनरी बना डाली पूरी। तो मुझे जितने फूल पत्ती चाहिए थे ना, मैंने पूरे इनके वॉल के ऊपर ही बना दिए, क्योंकि मैं इसको घर के पूरे घर के सारे जो डेकोरेशन था उससे हटके अपनी बालकनी को रखना चाह रही थी, जहाँ आके मुझे रिफ़्रेश फील हो, कलरफुल लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे, ब्राइट लगे, दिल बहले। को हमारे घर में एक कोना कोई सा ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, सारे कलर्स हो, सब कुछ हो, भरपूर हो, जहाँ दिल खुश रहे। मैंने ये टेराकोटा पॉट्स भी यहाँ पे पेंट कर लिए हैं अच्छे से ऑयल पेंट, और अब आप देख सकते हो फाइनल लुक सुबह का टाइम कितना अच्छा लग रहा था। देखो आप, कोई पेड़ मेरा आर्टिफिशियल पेड़, पेंटेड पेड़ मेरा, ट्री और पौधे सब कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, बिना किसी रियल प्लांट के भी ये कितने ग्रीन है। मैं कुछ प्लांट्स भी लेकर आई हूँ जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और ये हमारे टेराकोटा पॉट्स रहे जो सूखने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे। इनको हम अपनी ये मेन वॉल जो है सामने वाली, इसी पे हैंग करेंगे इसमें पौधे डाल के, तो ये बहुत खूबसूरत लगे। पार्ट वन हमारी बालकनी का यहीं पे मैं ओवर करती हूँ। पार्ट टू, जिसमें मैं पूरा बालकनी का डेकोरेशन लेकर आने वाली हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।